तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं पहले देख लीजिए। मैग्नेटिक मटेरियल, मैं ओवरव्यू थोड़ा दे देता हूँ। मैग्नेटिक मटेरियल उसी को बोलते हैं जिस मटेरियल को कोई भी प्रोसेस में आप टेम्पररी हो या परमानेंट हो मैग्नेट बना सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ठीक है। तो ये मेन तीन चीज जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है और एक होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, जो मटेरियल को हम लोग मैग्नेट एक बार कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि यहाँ इस इलेक्ट्रिक सप्लाई देके इसको मैग्नेट बना दिए, फिर यहाँ पे सप्लाई बंद कर दिए, फिर भी यहाँ पे मैग्नेटिज्म जो है बहुत ज्यादा रह जाता है, मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है बहुत ज्यादा रह जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मटेरियल है इसको हम लोग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसका जो बीएच कर्व होता है, मतलब हिस्टेरेसिस लूप वाला जो कर्व होता है, वो कैसा होता है देखिए। यहां से मान लीजिए इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये मान लीजिए कि एच, ये बी, ठीक है। इसका मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां पर आके देखिए तो ये जो बहुत थिक बनता है, इसका जो बीच मतलब हिस्टेरेसिस कर्व होता है, हिस्टेरेसिस लूप होता है, ये जो लूप बन गया, ये पूरा ये हुआ हिस्टेरेसिस लूप। तो ये जो हिस्टेरेसिस लूप है ये बहुत चौड़ा होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसका अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक आप सप्लाई बंद कर देंगे, फिर भी इसका जो मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा रह जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा रहता है। तो इस टाइप का जो मैग्नेट है, इस टाइप का मैग्नेट को आप परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए बहुत सूटेबल है, ये जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि परमानेंट मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हमेशा इसका आंसर जो होगा परमानेंट मैग्नेट के लिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है, ठीक है। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जाम्पल है खासतौर पर, वो भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। इसका जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जाम्पल है वो देखिए, नंबर वन में जो हो गया टंगस्टन, दो नंबर में जो है एल्निको, नंबर तीन में जो है कोबाल्ट, नंबर चार में जो है वो है क्रोमियम स्टील, और ये जो है कोबाल्ट स्टील, ये भी स्टील है, ठीक है। तो मेन खासतौर पे ये चार चीज पूछा जाता है, चार इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है ये हो है, सब हो गया हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। और ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल छोड़ के जितना और मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो होगा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं बहुत बार पूछा जाता है, टंगस्टन, एल्निको, कोबाल्ट स्टील, क्रोमियम, कोई भी एक उठा के देता है कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, ऐसा दे सकता है, या तो ऐसा भी दे सकता है, तीन ऑप्शन उठा के बता देगा कि इनमें से तीन ऑप्शन बता दिया और एक ऑप्शन में दूसरा कुछ दे दिया, तो बता देगा कौन सा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो चौथा वाला है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी दे सकता है कि इनमें से कौन सा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें से कोई एक उठा दिया। तो ये अगर वीडियो आप देखोगे तो आपका जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है अब क्लियर हो जाएगा और उसका एग्जाम्पल भी आप याद रह जाएगा। तो टंगस्टन, एल्निको, कोबाल्ट स्टील, क्रोमियम स्टील, ये चारों याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक्स बनाया हूँ, तो वो आप देखिए ट्रिक्स के जरिए आप याद कैसे रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो है एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक देखिए टी स्टॉल है, एक स्टॉल लगाया है टी स्टॉल, तो ऐसे आप कैसे रिलेट कर सकते हो, देखिए टी स्टॉल, टी ई ए, टी स्टॉल,
टी फॉर टंगस्टन और ई को साइलेंस कर दीजिए, ए फॉर एलनिको। और स्टॉल जो है, स्टॉल से आप याद रख सकते हो स्टील, कौन सा स्टील है, कोबाल्ट स्टील, क्रोमियम स्टील, ठीक है। स्टॉल से आप याद रखते हो दो स्टील है, और टी से आप याद रख सकते हो टी ई, ई को साइलेंस कर दीजिए, ए याद रखते हो टी ए से टंगस्टन और ए से एलनिको, ठीक है। तो टी स्टॉल से आप याद रख सकते हो टंगस्टन, एलनिको, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और आगे का वीडियो आपको देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।